कर्नाटका, एक ऐसा स्टेट जो ब्यूटीफुल तो है ही, साथ ही नेचर के भी काफी क्लोज है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के ज्यादातर लोगों की लाइफस्टाइल काफी इको फ्रेंडली है। और ऐसी एक स्टोरी है धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली अपर्णा जी की। अपर्णा जी पुराने न्यूज़पेपर को रीयूज करके उन्हें एक नई जिंदगी देती है। वही न्यूज़पेपर जो हमारे घर में ऑलमोस्ट डेली आता है और हम उसे कलेक्ट करके रद्दी वाले को दे देते हैं। सो लेट्स सी अपर्णा जी न्यूज़पेपर से क्या बनाती है। मोस्ट लोगों की तरह मैं भी हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ती थी और हर दिन एक न्यूज़पेपर मेरे घर में इकट्ठा होता था और हर कुछ दिनों में मुझे ये न्यूज़पेपर डिस्पोज करना पड़ता था। और क्योंकि न्यूज़पेपर पेपर से बनता है और पेपर ट्रीज कट करके, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली न्यूज़पेपर की वजह से डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में हर साल 4 लाख से भी ज्यादा ट्रीज को सिर्फ पेंसिल बनाने के लिए काटा जाता है। और मुझे जब ये पता चला तो मैं काफी शॉक थी और मैंने डिसाइड किया कि मैं इन दोनों प्रॉब्लम को मिला के एक सोल्यूशन निकालूंगी। तो अपर्णा जी इन न्यूज़पेपर से पेंसिल बनाने के तरीके ढूंढने लगी। अपर्णा जी ने ऑनलाइन कई सारे आर्टिकल्स और इनोवेशंस के आइडिया देखे और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंची कि वो न्यूज़पेपर को अपसाइकिल करके पेंसिल्स बनाएंगी। और अपने इस आइडिया को प्रैक्टिकल बनाने के लिए वो लगातार 3 महीने तक मेहनत करती रही। और काफी ट्रायल एंड एरर के बाद अपर्णा जी ने फाइनली न्यूज़पेपर को यूज करके पेंसिल बना ही ली और ये पेंसिल ऑलमोस्ट परफेक्ट बन गई थी। अब मुझे पेंसिल्स बनाने का तरीका तो पता चल गया था। हम सब जानते हैं कि पेंसिल्स को बच्चे ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि पेंसिल से बच्चों को रीचर के एक स्टेप करीब लाऊं। तो अपर्णा जी ने इन पेंसिल्स को इस तरह से डिजाइन किया कि इसमें सीड्स को डाला जा सके। उन्होंने एक डीकम्पोस्टेबल मटेरियल में इन सीड्स को रैप कर दिया और फिर पेंसिल के एज पे चिपका दिया। तो जब पेंसिल्स पूरी तरह से यूज हो जाती हैं और उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तब भी ये सॉइल में जाके किसी प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये पेंसिल्स लोगों को पसंद आने लगे। मुझे समझ आ गया था कि अपने प्रोडक्शन को स्केल अप करना चाहिए था। फिर मैंने अपने आसपास की महिलाओं को अपना प्लान बताया और इंटरेस्टेड महिलाओं को पेंसिल्स बनाने के लिए ट्रेन करने लगी। और मैंने अपने इस स्टार्टअप को ईला एंटरप्राइजेस के नाम से शुरू किया। तो समझते हैं कि अपर्णा जी न्यूज़पेपर से पेंसिल्स बनाती कैसे हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर्स को इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद न्यूज़पेपर्स कटिंग को जाते हैं। कटिंग होने के बाद लेड उसके अंदर ग्लू करके फिर पेंसिल को रोल किया जाता है। रोल होने पर रोल किया हुआ पेंसिल्स ड्राइंग के लिए जाते हैं। ड्राई होने के बाद वो कटिंग के लिए जाते हैं। कट होने पर फिनिशिंग को जाकर फिनिश प्रोडक्ट निकल आता है। फिनिश प्रोडक्ट के एज को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से सील करके उसके अंदर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार सीड डाल के पैकिंग किया जाता है। और इस तरह से ये अमेजिंग इको फ्रेंडली पेंसिल्स तैयार हो जाती है। अपर्णा जी इस स्टार्टअप से अभी तक अप्रोक्सीमेटली 1440 टन ऑफ पेपर वेस्ट को रिसाइकिल कर चुकी हैं, जिसे एलिया एंटरप्राइजेस ने थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज एंड इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया है। इतना ही नहीं, अपर्णा जी इन पेंसिल से हुई कमाई का बड़ा हिस्सा एक ऐसे एनजीओ में डोनेट करती हैं जो बच्चों की पढ़ाई पे वर्क कर रहे हैं। अगर आप इस इनिशिएटिव एंड नेचर को हेल्प करना चाहते हैं तो आपके न्यूज़पेपर्स ईला एंटरप्राइजेस धारवाड़ कैलगरी इस यूनिट को डोनेट कर सकते हैं। तो अगर आप कर्नाटका के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते हैं तो ईला एंटरप्राइजेस के वॉलंटियर्स आपके पास खुद आके आपसे यूज न्यूज़पेपर कलेक्ट कर लेंगे। आपको बस इस नंबर पे कॉल करना है। और इसी तरह से कुछ ही स्टेप्स में हमारे वेस्ट पेपर्स एक यूजफुल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि अपर्णा जी का ये स्टार्टअप हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम उनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। तो अगर आपको भी अपर्णा जी की इस स्टोरी ने इंस्पायर किया है तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकी स्टोरी के बारे में पता चले।
क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को इनकी स्टोरी के बारे में पता चलेगा उतने ज्यादा लोग समझेंगे कि एनवायरमेंट को सेव करने के कितने सारे तरीके एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पर फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इकोफ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।